जनपद संभल के चंदौसी में फवारा चौक पर हिंदू जागरण मंच ने हाथरस में हुई घटना के विरोध में पुतला फूका। आपको बता दें कि 10 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में 4 लोगों ने 19 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका आज दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में देहांत हो गया। इस घटना से आक्रोशित हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फवारा चौक पर एकत्रित होकर पुतला फूका और दोषियों को फांसी की मांग करने के साथ ही पीड़िता के परिवार में एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। आज हिंदू जागरण मंच चंदौसी जनपद संभल के तत्वधान में बलात्कारियों का पुतला फूका गया, और जो कि इस समय मनीषा वाल्मीकि जी के साथ हुआ है। आज हमारे देश में बलात्कारी बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। हम सरकार से मांग करते हैं उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दी जाए। ये कुमारी मनीषा वाल्मीकि का पहले रेप हुआ, उसके बाद 10 दिन के बाद उसकी ये हत्या हो गई। बलात्कार करने के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और ना ही जो है बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई, केवल छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करके SP ने एक कर उसको पकड़ा बलात्कारी को। उसके बाद वो 10 दिन मौत और जिंदगी की जंग लड़ती रही, आज उसकी डेथ हो गई। हमने उन चारों का जो बलात्कारी हैं उनका पुतला फूका है और सरकार से मांग की है और उनको निर्भया कांड की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के और उनको फांसी दी जाए। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं हम, उसके घर में एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये मादर पर्सन की मांग है UP सरकार से, योगी जी से, कहीं बेटी कमजोर हैं और उनकी असमत लूटी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया करके दलितों पर अत्याचार करना बंद कराएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, उनको जेल पहुंचाएं, उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए।